सो चैप्टर 11 के अंदर पहला क्वेश्चन है गेजुन लेबन वेल्शर टिप्स फर्स्ट टेकन जिश हियर मार्क किया ना जी। तो इसके अंदर हमें ये जो भी लिखे हुए हैं यहाँ से बताना है कि हम क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि हम गेजुन मीन्स हेल्दी रह सकें। तो पहला फीला गेम्यूजे एसन, ये मैं लिखना भूल गई थी, लिख लेना। सेकेंड इसके अंदर लिख सकते हो स्पोर्ट माखन। नेक्स्ट गेनाउश लाफन मीन्स स्लीप अलॉट, स्पोर्ट माखन मीन्स की स्पोर्ट्स करना। फील्स पातसियरन गेहन मीन्स बहुत सारी वॉकिंग करना। उसके बाद नेक्स्ट है फील वासर त्रिंकन मीन्स ढेर सारा पानी पीना। एंड नेक्स्ट है काइंड ऑफ फास्ट फूड एसन मीन्स जो फास्ट फूड है वो कम से कम खाना है या फिर ऑलमोस्ट नहीं खाना। उसके बाद इसके अंदर सी पार्ट के अंदर क्या है कि स्पोर्ट इज गेसुन, जो स्पोर्ट है वो हेल्दी है। वेल्श स्पोर्ट कार्टन कैन जी मीन्स कौन सा स्पोर्ट्स जो है वो आप करते हो। इसके अंदर मेनली जो स्पोर्ट्स के नेम है वो लिखना, जैसे स्विमन है, फुटबॉल है, उसके बाद यहाँ पे वॉलीबॉल लिख सकते हो, क्रिकेट लिख सकते हो, तो जो जो स्पोर्ट्स है वो सब लिख सकते हो। मैस लेजन जी दी ब्रेटेग आउज देम फॉरम उन क्रॉइसन जी अन वे जाट वास। तो इसके अंदर हमें क्या बताना है, पहले ये तीनों पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि ये जो नीचे सेंटेंसेस गिवन है 1 to 7 तो कौन सा सेंटेंस किसने बोला। तो चलिए रीड करते हैं। पहला है मागी फियर उन आक्सिन, ये इसका पूरा ये आइडेंटिटी नंबर है। तो इसका सेंटेंस पढ़ते हैं, हॉटे हाबन आले मेंशन फील स्ट्रेस मीन्स आज जो है मतलब हम सबको काफ़ी स्ट्रेस है, आजकल सभी को बहुत स्ट्रेस होता है। इश अबाइटे इन आइन अक्रोज फिरमा उन माइन बेरूफ इज यर अनग्रेस्ट एंड इस मुश फिट ब्लाइबन। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि मैं जो है एक बड़ी सी कंपनी में काम करती हूँ और मेरा जो काम है वो बहुत स्ट्रेस देने वाला है, मेरे को फिट रहने की काफ़ी ज़रूरत है। इश कहे द्रायमल इन दे वॉक इन फिटनेस स्टूडियो कि मैं जो है हफ्ते में 3 दिन फिटनेस स्टूडियो यानी जिम जाती हूँ। दास इज टॉल, ये काफ़ी अच्छा है। इश हाबे डॉट ऑक्शन फील अ नोए फ्रेंड है कैनन गेलन, और इससे क्या होता है वहाँ जाने से मैं नए नए फ्रेंड्स के बारे में जानती हूँ, उनसे आपस में इंटरेक्शन होती है। अमजोन टा गे इश इन स्विम बाट उन स्विमे आइना स्टूडा। उसके बाद क्या ये कह रही है कि जोनटाग वाले दिन यानी संडे को जो है मैं स्विम बाड यानी स्विमिंग पूल में जाती हूँ और वहाँ पे 1 घंटे स्विमिंग करती हूँ। आउख माइन फ्रेंड लिव स्पोर्ट, और इसमें यह है कि मेरे फ्रेंड को भी स्पोर्ट काफ़ी पसंद है। दस इज खुद जो क्यों नन वी आर फील सुजामन माकर, और ये जो काफ़ी अच्छा हम एक साथ काफ़ी मज़े करते हैं। नेक्स्ट है टॉम टॉम, तो इसके अंदर है फिटनेस स्टूडियो मार्ग इश नेस्ट, मतलब फिटनेस स्टूडियो ये जिम वगैरह मुझे इतना नहीं पसंद। इश फिंड एस श्रेकलिस टॉट जो फिलल आइटम, मेरे को ये काफ़ी डिफिकल्ट सा लगता है, मतलब इतने सारे लोग वहाँ पे होते हैं। उन एस इज टॉयर, और साथ में ये काफ़ी महंगा भी है। बाई श्योनम वेटर गे इश फील इम पार्क पाथसियरन, और जब अच्छा वेदर हो तो मैं पार्क में जाता। उन डम वोखन एंड गे इश वेंडन, और जब वीकेंड्स होते हैं वहाँ मैं बाहर कहीं ट्रैवल करने जाता हूँ या वॉन्डर करने। इश बिन ज्ञान है इम पार्क, और मैं पार्क के अंदर जाता हूँ। अम फ्लूस ओडर इम वाल्ड, या तो नदी के पास या फिर कहीं फॉरेस्ट के आसपास। लास्ट इज डॉक आउट के जून, ये भी काफ़ी हेल्दी रहने का अच्छा तरीका है। उंड इश एस ए काइंड फ्लाइश उंड काइंड वोस्ट आवर फील फिश ऑफ सुन गे म्यूज़र, मैं जो है कोई मीट नहीं खाता ना ही सॉसेज खाता हूँ, लेकिन मैं फिश खाता हूँ, वेजिटेबल्स खाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ। उन ट्रिंक है इस्ट विश टिश, और जो पानी पीना है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिंक के नूअर वास उन थे मैं काफ़ी सारा पानी और टी पीता हूँ जो ब्लाइब टिश फिट, ताकि मैं फिट रह सकूँ। नेक्स्ट है क्लारा फिटनेस इश कान एस निश्ट मेयर योखन, मैं फिटनेस है उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सुन सकती, मतलब ये बहुत परेशान होगी हर जगह फिट रहना फिट रहना, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये तंग हो गए इस वर्ड से। आले वोलन आउजेहन वी आइन सुपर मॉडल दस इज टॉक नेस्ट नॉर्मल, ये कह रहा है कि हर कोई जो है एकदम सुपर मॉडल की तरह बनना चाहता है, ये नॉर्मल बात नहीं है, तुम्हें अपनी बॉडी के साथ खुश रहना चाहिए, ऐसा इसका मानना है। आउ जो इश्मा के नेश फील स्पोर्ट ऑल्सो, मैं कोई स्पोर्ट्स भी नहीं इतना पसंद करती। इन माइनर फ्राई साइड बिन इश कैन सू हाउज ऑफ देम जोफा उन लेज आइन अ गुटस बुक, और जब मेरा फ्री टाइम होता है मैं घर पे रहती हूँ और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ती हूँ। अबर इश फाख मिट देम फाखड सुर आ बाइट, मैं जो है वो गाड़ी से अपने काम पे जाती हूँ। दास इज के नाउश, इतना इनफ है। उन इश लीबे कुखन उन शोकोलाडा, मेरे को
क्योंकि इस चॉकलेट्स ये सब बहुत पसंद है। दस इज फिलाइश निश जो गेजुन, मतलब ये मे भी इतना हेल्दी ना हो अबर मिट गेट एज गुड, लेकिन मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगता है। और नूअर दस इज ट्विस्टिश फिंडिश, और मैं इसी को इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि हमें जो अपनी मेंटल हेल्थ पे और जो हमें पसंद है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। फिटनेस के चक्कर में अपनी पसंद को ही नहीं भूल जाना चाहिए, ऐसा इसका मानना है। अब नीचे देखते हैं, गेजुंड एसन दास इज गुड फॉर फिटनेस, तो ये कौन कह रहा है? टॉम। नेक्स्ट है इश एसे वास मी अश्मैक्ट, मतलब मेरे को जो मन करता है जो अच्छा लगता है वही खाती हूँ, तो ये किसने कहा? क्लारा ने। इन फिटनेस स्टूडियो ट्रिफ्ट मन फील अलर्ट है, ये किसने कहा कि फिटनेस स्टूडियो में बहुत सारे लोगों से हम मिल सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मागी। नेक्स्ट है इश बिन गैन इन देयर नाटूर, तो मेरे को जो है नेचर के साथ रहना बहुत पसंद है, तो ये टॉम है क्योंकि वो पार्क वार्क जाता है। नेक्स्ट है फाकट फागन इज आउ गुड फ्यूअर दी गेजुन डाइट, चलिए फाकट टूअर मतलब होता है साइकिल से जाना, फाकट फारन जो है साइकिल से जाना होता है, मतलब कि ये भी हेल्दी है, तो ये क्लारा कहती है। नेक्स्ट फ्यूअर माइन अ बेरूफ मुस इज फिट जाइन, मतलब अपने काम करने के लिए मेरे को फिट रहने की ज़रूरत है, ये कौन कहती है? मागी। नेक्स्ट है इश के है निश कैन इन फिटनेस स्टूडियो, मतलब मैं मेरे को जो है फिटनेस स्टूडियो जाना नहीं पसंद, वैसे तो ये टॉम ने कहा लेकिन ये क्लारा पे भी सेट होता है, अगर दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करना हो तो टॉम करना, और अगर दो कर सकते हो तो फिर दोनों पे कर देना। नेक्स्ट है वेयर लिव्ड गेजुंड, ये जो क्वेश्चन है ये जो है पर्सनल करने वाला है, मान लो कि तुम ढेर सारे ग्रुप्स में बैठे हो आसपास करने के लिए, और उसके बाद एक दूसरे से पूछना है, जैसे हाज डू गेस टेन ऑप्स्ट ऑर्डर गेम्यूजे गेगेसन, मतलब कि क्या तुमने जो है कल ऑप्स्ट वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कुछ खाया था, तो अगर किसी ने खाया हो मान लो ग्रुप में तो उस मेंबर का नाम लिख दो, ये मतलब खुद करने वाला है, ये करना चाहो तो कर सकते हो नहीं तो छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन फिटनेस स्टूडियो इसके बाद वी हाइजन सी द फ्रॉग नोट यरनजी, तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन होगा वो हमें नोट करके लिखना है। पहला, अगर 21 है यानी ऑफ कोर्स ये किसी की एज होगी, तो एज के लिए हम क्या पूछते हैं? वी आल्ट जिनजी और द वी आल्ट बेस टू। उसके बाद नेक्स्ट है 165 मीटर है यानी ऑफ कोर्स ये हाइट होगी, तो वी ग्रोस बेस टू और द वी ग्रोस जिनजी। नेक्स्ट 60 किलो है यानी ये किसी का वेट होगा, तो यहाँ पे आएगा वी फील वेक्स टू और वी फील वेगन जी। उसके बाद नेक्स्ट है देयर क्यों फॉर एडगेंसन सी दी वॉटर इम रेड सेल नोट यरन सी दी आर्टिकल ऑन प्लूरल आर बाइटन सी आउख मिड देम वॉटर बुक, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी ये पूरा है ये सब फिलअप करना है और उसके बाद बताना है कि सिंगुलर प्लूरल इसका क्या होगा। तो मैंने ये सिर्फ फिल कर रखा है, सिंगुलर प्लूरल आप कहीं और से या गूगल से देख सकते हो आराम से। उसके बाद जैसे पहला है फिंगर, यहाँ पे सेकंड पे है फुस, उसके बाद एल्बोगन मींस एल्बो, फिंगर मींस फिंगर, फुस मतलब फुट होता है, र्यूकन मींस कमर, ह्याट्स मींस हार्ट, उसके बाद एल्बोगन हो गया। नेक्स्ट है ब्रोस्ट मींस चेस्ट, उसके बाद कॉफ मींस हेड, नी मींस नी, आर्म मींस आर्म, हैंड मींस हैंड। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं दास के शिष्ट द फेस जेहन जी दास बिल्ड अन उंड ऑर्डनन सी जू, तो इसके अंदर हमें ये जो है पिक्चर देखनी है और उसके बाद बताना है कि कौन सा फंक्शन कौन सा फेस का पार्ट करता है, सेंस ऑर्गन्स मतलब। जैसे पहला इसमें दास गेशिस्ट मीन द फेस, दी नेज मीन्स नोज, द मुंड मीन्स माउथ, दी हार मीन्स हेयर, दास आउग ओडर दी आउगन, दास आउग मीन्स द आई एंड दी आउगन मीन्स आईज। उसके बाद दास ओहर मीन्स ईयर एंड दी ओहरन मीन्स ईयर्स, प्लूरल हो गया। उसके बाद पहला है राइशन मीन्स स्मेल, हम किससे करते हैं? दी नाज मीन्स नोज से। नेक्स्ट है श्मेकन मीन्स टेस्ट, किससे करते हैं? दिया मुंड माउथ से। नेक्स्ट है योखन, योखन जो है हम किससे सुनते हैं? दी ओहरन मीन्स कान से। नेक्स्ट जेहन ऑफकोर्स देखते कैसे है? आइज से, तो दी आउगन। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे तो इतना कुछ है नहीं ये करने वाला, ड्राइंग बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट फिफ्थ है इम्परेटिव एर्गेंजन जी दी ताबले, तो इसके अंदर हमें जो टेबल है इसके अंदर इम्परेटिव फॉर्म लिखना है, जी फॉर्म गिवन है, डू और ईयर फॉर्म लिखना है। पहले मैं बता दूँ ये बनता कैसे, डू फॉर्म के अंदर हमें क्या करना है, जैसे एसएन वर्ड है, एसएन वर्ड का जो भी डू फॉर्म होगा पीछे का एसटी हटा देंगे,
ठीक है, उस वर्ड का, और बाकी और दो वर्ड भी हटा देंगे और बाकी सेम लिख देंगे। जैसे इसका इस्ट होता है ना, वैसे तो एस एन का फॉर्म ISST, तो हमने ST हटा दिया, मतलब एक एस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये एक्सेप्शन है, वरना ST हटता है इसमें। जैसे नीचे माखन देखो, मास्ट होता है तो ST हटा रखा है, तो बाकी दो वर्ड भी हटा देते हैं और बाकी सेम रहता है। तो पहला एसन सी फील ऑप्स, तो इसका दो फॉर्म क्या हो गया, इस फील ऑप्स, इसमें हम कमांड दे रहे हैं। और वही इसका ईयर फॉर्म निकालना, तो हम बस ईयर हटा देते हैं, बाकी ईयर के अकॉर्डिंग कॉन्जुकेशन रखते हैं, जैसे एस्ट फील ऑप्स। सिमिलरली माखन जी दी युबुंग, तो इसका आएगा मार्क दी युबुंग मीन्स डू द एक्सरसाइज, मार्क दी युबुंग डू द एक्सरसाइज। नेक्स्ट है गेहन जी इन फिटनेस स्टूडियो मीन्स गो टू द फिटनेस स्टूडियो, गे इन फिटनेस स्टूडियो मतलब तुम फिटनेस स्टूडियो में जाओ, गेट सी इन फिटनेस स्टूडियो, ये इसका ईयर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट नेमन जी आईना एप्पल, टेक द एप्पल नेम आईना एप्पल, और ईयर फॉर्म हो गया नेम आइनन एप्पल। नेक्स्ट है कॉमन जी मॉर्गन जूम ट्रेनिंग, कॉम मॉर्गन जूम ट्रेनिंग और द ईयर फॉर्म कॉम मॉर्गन जूम ट्रेनिंग। नेक्स्ट जियन जी नेस्ट जो नैवोस, जी नेस्ट जो नैवोस, उसके बाद जाइट नेस्ट जो नैवोस, इसका ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर भी पार्ट है वह जागन जी लो इटार के अंदर जी, तो इसके अंदर कौन क्या कह रहा है वो हमें लिखना है। पहला इसको क्या कमांड मिल रही है कि खाओ, यानी एस एन का कोई फॉर्म होगा, तो ISS, ठीक है, एस एन का ईस्ट होता है, तो ईस्ट का डू फॉर्म क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा था ISS होता है। सिमिलरली नेक्स्ट डू जीस्ट, जीस्ट का क्या डू फॉर्म हो गया, SIEH, यहाँ पे भी ठीक कर लेना, यहाँ पे ऐसा कर लेना, यहाँ पे SIEH आएगा ऊपर। नेक्स्ट है निस्ट जो लांगजाम, यहाँ पे रेंट ओदर लाउफ्ट मतलब कि रन या फिर वॉक फास्ट ये लिख सकते हो। पहले का मतलब बता दूँ कि ईस्ट में अगर म्यूजियम मतलब ज़्यादा फ्रूट्स खाओ। नेक्स्ट है जी निस्ट जो फील फैन मतलब इतना ज़्यादा टीवी मत देखो, निस्ट जो लैंगजैम लाउफ्ट ओदर रेंट स्नेलर मतलब डोंट बी लेजी फटाफट भागो। नेक्स्ट है ड्रिंक मेयर वासर मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, अब आइट है निस्ट जो फील, या तो ये लिख सकते हो कि ज़्यादा कंप्यूटर पे काम मत करो, बट बच्ची या तो काम तो कर नहीं रही होगी, तो इसकी जगह लिख सकते हो स्पील निस्ट जो फील मीन्स कंप्यूटर पे इतना मत खेलो, मार्क टॉक मार स्पोर्ट मतलब बाहर जाके स्पोर्ट्स भी खेलो। नेक्स्ट स्नेलर स्विम स्नेलर मीन्स जल्दी जल्दी स्विमिंग करो और फास्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गिवन सी टिप्स में इम्पराटिव, इसके अंदर कुछ इम्पराटिव में टिप्स गिवन है, यह हमें लिखने हैं कि कौन सा टिप हम किसे देना चाहेंगे। तो पहला है अब आइट एन इज जो फील मतलब कि ज़्यादा काम मत करो, ये हम ए वाले को देंगे, तो ये। उसके बाद नेक्स्ट है गेट फील्स पथ सी अरन मीन्स बाहर जाके थोड़ा वॉकिंग भी करो। नेक्स्ट ड्रिंक अम आबंत आइन एन टे मतलब इवनिंग में थोड़ा टी भी पियो, गे जुम आथ डॉक्टर के पास जाओ, ड्रिंक काइना काफ़े और कॉफ़ी ज़्यादा मत पियो क्योंकि उससे नींद उड़ती है, तबीयत भी ख़राब हो जाती है ज़्यादा। नेक्स्ट है स्प्रिश मिड डे शेफिन मतलब अपने बॉस से बात करो कि ओवरलोड तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है ये सब। नेक्स्ट है बी पार्ट की बात करते हैं, एस्ट काइना शोकोलाडे मीन्स चॉकलेट्स मत खाओ, ड्रिंक निज़ो फील कोला मतलब ज़्यादा कोला भी मत पियो, मार्क स्पोर्ट्स मीन्स स्पोर्ट्स खेलो, काउट मेयर ओप्स तुन गेम यूज़र बहुत सारे हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदो और खाओ, गेट फील्स पाथसी अरन मीन्स वॉक करने भी जाओ, गेट सुम आर्ट्स, ये वैसे गेट सुम आर्ट्स इधर भी लिख सकते हो, इधर भी दोनों तरह ही फिट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, वस इस वस ऑर्डिनेंस इज जू, तो इसके अंदर हमें बताना है कौन सी पिक्चर कौन से सामान के नाम के साथ मैच हो रही है। तो पहला दया काम, दया काम क्या है यहाँ पे देखते हैं, ये रहा कॉम्ब। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर दास टूक जेल, ये सेवन नंबर पे मतलब बाथिंग जेल। नेक्स्ट दास हान टूश हान टूक मीन्स हैंड टॉवल। नेक्स्ट है दी जीफर मीन्स सोप। नेक्स्ट दे आर फोन, फिफ्थ पिक्चर देखो क्या है, हेयर ड्रायर। दास जैम्पू और शैम्पू, एट नंबर पे शैम्पू। नेक्स्ट दी ब्यूस्टर मीन्स ब्रश, दी क्रेमे मीन्स क्रीम। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज के अंदर ये तो नहीं ये करने वाला। उसके बाद ये है जेन जी द बिल्डर एंड अर्गेंजन जी आउस देगन उन ऑर्डिनेंस जीजू,
तो इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा जो है कन्वर्सेशन किसके साथ फिल हो रहा है, और साथ में ये नीचे हमें फिल भी करना है। इसके अंदर है इश्क के बे इन एन आइना रिसिप्ट फ्योर आइना जाल बे, मैं तुम्हें जो है रिसिप्ट दे रही हूँ ताकि तुम्हारा ये जो चोट है वो ठीक हो जाए। उसके नेक्स्ट है इश हाटे आइना उम फाल, कि मेरे को जो है चोट लग गई, मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया। इश बिन दे मोटरा गेस्ट्रो, मतलब मैं अपने जो मोटर गाड़ी थी यानी मेरा बाइक था उससे मैं गिर गया। उसके बाद नेक्स्ट है इसी के आगे माइना नी टूट वे, मेरे घुटने पे जो है बहुत दर्द हो रहा है। नेक्स्ट इश माखे आइना फायर बांध, मतलब मैं जो है तुम्हें पट्टी बांध देती हूँ। टूट दास वे, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। या आइन बिशन, मतलब यस थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट है फिलन दांग आउ फी दिन मीन्स थैंक यू सो मच सी यू सून। वस इज पाथसियरट, मतलब कि ये जो है ठीक है। उसके बाद वन मुस इश देन फॉर वन वेल्शन, मतलब कि मेरे को जो है ये कब चेंज करना चाहिए। वैक्सीलन मीन्स होता है चेंज करना। उसके बाद इसमें पिक्चर देख लेते हैं कौन सा कन्वर्सेशन पिक्चर के साथ मैच हो रहा है। फर्स्ट तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल है जी बी, नेक्स्ट सेकंड है डी ई, थर्ड है सी और एच, फोर्थ है ए और एफ। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दे आर मोटराज फारट पैट्रिक हाइटन कोलिगन इनफॉर्म यरट वेयर जॉल वास माखन नोटियरन सी, तो इसके अंदर इसने जो है कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन क्यों दी है ये सब इसके अंदर एक बार पढ़ के देख लेते हैं। पैट्रिक हाट अनगेरूफन ए हाटे आइना उन फाल मिट दे मोटराज उन इस्ट आइना वो खक्रांग, मीन्स पैट्रिक ने जो है कॉल करके बताया, मतलब कि ये आपस में बात करे कि पैट्रिक ने जो है कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि पैट्रिक का एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी से गिर के और वो एक वीक के लिए अब नहीं आ सकता। वी आर जोलन जाइना कुंडन इम्फोरियन, हमें क्लाइंट को मैसेज कर देना चाहिए। फ्राउ श्रोटर जी जोलन बिटर देन टर्मिन मिट देम फिर मारोबा फर्स्ट इवन, मतलब कि हमें जो है उसका जो टर्मिन यानी अपॉइंटमेंट था फिरमा के साथ वो हमें पोस्टपोन कर देना चाहिए। योनास टू जोल्स बिटर जाइना ईमेल लेजन, अब वो योनास को कह रहे कि क्या तुम पैट्रिक का जो है वो ईमेल रीड कर सकते हो। जानरा उन लैंडर ईयर जॉल्ट बिटर देयर शुंगन फैटिश माखन, मीन्स क्या तुम उसके बचे हुए बिल्स प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब जो भी पैट्रिक का पेंडिंग काम था वो सब आपस में बांट रहे। गेट दास गेट दास मीन्स क्या ये ठीक है। एग्स या उन इस जॉल ऑइश अलन अटूलिश यान रूजन, मतलब कि मैं जो है तुम सबका बहुत आभारी हूँ तुम ये सब कर रहे हो। एयर रूफ मॉगन विदर अन, और हम उसको कल दोबारा एक बार कॉल करके हालचाल पूछ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। उनके अंदर है दी पार्ट माकेरन जी एक्ट से दि वेब फोरम फोनजोलन एरगेंजन जी दान दी तावले, तो इसके अंदर हमें क्या करना है जो मोडाल वर्ब है जोलन उसकी फॉर्म लिखनी है। और अगर आपने मोडाल वर्ब पे अभी वीडियो नहीं देखी तो देख लो, उसका लिंक आपको या तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम ई पार्ट पे। फ्राउ श्रोटर हार्ट फीलर रेट्स लेगे फ्योर पैट्रिक शाइबन जिदी आई ने ई मेल फोन योना स्वेटर, तो इसके अंदर हमें ई मेल लिखना है इसकी मदद से ऊपर जो हिंट्स गिवन है, तो लिखते हैं हेलो पैट्रिक। हेलो पैट्रिक पी गेट एस डियर मीन्स कि कैसे हो तुम, हैव फ्रेंडली श्योन बेसर मीन्स होप करती हूँ कि पहले से बेटर हो गया। फ्राउ श्रोटर इज जिया बेज रॉक जी रेडेड देन गांजन टाक फॉर दियर उन हाथ फीलर एच लेगा फ्योर डिश, मतलब कि उनको जो है मतलब तुम्हारे बारे में काफ़ी बताया और उसके बाद तुम्हारे जो बिल्स वगैरह थे उसके बारे में बात हुई। जो जोल्ट मिड देम बुस फागन उन दू जोल्स निश सूफ उसके हैं, मतलब कि तुम्हें जो है बस से आना जाना करना चाहिए और पैसे ट्रैवल नहीं करना चाहिए। दू जोल्ट निश जो स्नेल फागन उन दू जोल्स दास मोकाट फिर काउफन, और तुम्हें जो है इतना ज़्यादा गाड़ी से नहीं ड्राइव करनी चाहिए, कोई कार वार ले लेनी चाहिए, और तुम्हें इतनी स्पीड में पहली बार तो गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। दू जोल्ट दास पाइम वेनिश बेवेगन उन जोल्ट यट्स काइन काफे ट्रिंकन, और तुम्हें अपना रेस्ट लेना चाहिए अच्छे से और कॉफ़ी नहीं पीनी। गुटे बेसरूम उन फील अ ग्रूजा मीन्स गेट वेल सून एंड लॉट्स ऑफ लव योनास, योनास जो है इसने लेटर लिखा है ये पूरा है, इसमें दू जोल्ट मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये ऑप्शनल है लिखना। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर है वाज सकते हैं आर्ट्स वाज दी पेशेंट इन ऑर्डिनेंस सीजू, तो इसके अंदर हमें क्या बताना है कि जो भी
सेंटेंसेस है, कौन से आर्ट्स ने बोले यानी डॉक्टर ने और कौन से पेशेंट ने। पहले हापन रिस मेडिसिन कि क्या आपको पेन है, तो ऑफ कोर्स ये डॉक्टर बोलेगा। नेक्स्ट है वो टूटवेयर्स मतलब कहाँ पे दर्द हो रहा है, ये भी आर्ट्स ने बोला, आर्ट्स यानी डॉक्टर। नेक्स्ट आउ दास टूटवे तो ये पेशेंट ने बोला कि ओ ये दर्द हो रहा है। नेक्स्ट है जाइट स्वाइट टागन मीन्स दो हफ्तों दो दिनों से, तो ये पेशेंट ने बोला इज बिन शोन फियर टागे क्रांक मैं चार दिन से बीमार हूँ, तो ये जो है पेशेंट ने बोला इश हैव ए कॉफ मेडिसिन मेरे को जो है गले में दर्द हो रहा है नेक पेन हो रखा है, तो ये भी पेशेंट ने बोला। क्या नेक्स्ट है हाबनजी फीवर क्या आपको फीवर है, तो ये डॉक्टर ने बोला। नेक्स्ट है इश के वे इन एन आइना रिसिप्ट मैं तुम्हें रिसिप्ट दे रहा हूँ, डॉक्टर ने दिया। उसके नेक्स्ट है वी लांगे हाबन जी दिस मेडिसिन श्योन वी लांगे जिंजी श्योन क्रांक मतलब कि ये दर्द आपको कब से है या कब से आप बीमार हो, तो ये डॉक्टर ने बोला। नेक्स्ट है जी मुश इम बेड ब्लाइबन कि तुम्हें जो है बेड में रहना चाहिए, ये डॉक्टर ने बोला। जागन जी माल आ मतलब कि मुगल के एक बार आ बोलो, ये डॉक्टर ने बोला। या आइन बिशन हॉट मॉगन व्यागन इज अक्सुन ट्राइसिस क्रांक, तो यस थोड़ा बहुत फीवर भी है, आज ही मैंने चेक किया 38 डिग्री था, ये पेशेंट ने बोला। नेक्स्ट है हाबन जी आइन एयर कैंट लू, तो ये जो है आज यानी डॉक्टर ने बोला। उसके यहाँ नेक्स्ट सीडी वाला पार्ट है तो वो मैं करवाती नहीं हूँ वीडियोस में, इसलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है अर्गेंजन दीदी मोडाल व्याबन निष्ठ डुरफन व द म्यूजर, तो इसके अंदर हमें मोडाल व भरना या तो निष्ठ डुरफन या फिर सिंपल डुरफन या फिर म्यूसन, तो इसको भर लेते हैं। पहला है मुस, दूसरा है डार्फनिष्ठ, नेक्स्ट है मुस, चौथा है डार्फनिष्ठ, पाँचवा है मुस और छठा है डार्फनिष्ठ ओडर डार्फ। ये ऑप्शनल है, जो मर्जी इसमें से लिख सकते हो। और इसमें अगर कुछ डाउट हो, कोई सेंटेंस वर्ड ना समझ आए या स्ट्रक्चर, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, बता दूँगी। या फिर इंस्टा पे भी पूछ सकते हो, कहीं पे भी अपनी क्वेरी पूछ कहीं पे भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, मैं बता दूँगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर है जे एन जी दी बिल्ड रन वास इज वास ऑर्डिनेंस इज व्योटर जू दस व्योटर बुक हेल्प, तो इसके अंदर हमें जो है सबसे पहले बताना है कि कौन से पिक्चर के सामने ये क्या है और इसको हम क्या करते हैं, मतलब जैसे टैबलेट है टैबलेट है उसको हम क्या टेक करते हैं, तो नेम है। सिमिलरली दे आर जाफ्ट मतलब सिरप वो पीते हैं ट्रिंकर, दे आर प्लाट्सर हाबन मीन्स ये जो प्लाट्सर है वो लगाते हैं हाथ पे, क्या डिट्रोफन ये आइनेमन इसको भी हम लेते हैं पीते हैं मतलब, क्या नेक्स्ट है जीजालवे ऑफ्ट्रागन ये जो क्रीम है उसको लगाते हैं बॉडी पे, दस फैबान मीन्स ये जो बैंडेज है इसको बेकॉमन मतलब जहाँ भी लगी वहाँ पे लगाते हैं, जिस स्प्रिट्स जो है वो सुई का क्या करते हैं घोपते हैं लगाते हैं सुई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वन केहन सीसू वेल्शम आज मतलब कि कब तुम कौन से डॉक्टर के पास जाओगे, तो पहले हाबन जी हार्श मेडिसन तुम्हें जो है गले में दर्द है तो हम कहाँ पे सॉरी ईएनटी डॉक्टर हाँ। उसके नेक्स्ट है ईयर किन हार्ट साइट टागन फीवर मतलब कि तुम्हारे जो बच्चा है उसको 3 दिन से फीवर है तो कहाँ जाओगे, किंडर आर्ट्स ऑफकोर्स बच्चों वाले डॉक्टर के पास। नेक्स्ट है जी फ्यूलर जिश म्यू डाउन हावन वेनिशा एपेटाइट मतलब तुम्हें जो है अच्छा फील नहीं हो रहा, बहुत थका थका लगता है हमेशा, साथ में पेट भी ठीक नहीं है, तो कहाँ पे जाओगे आलेग माइन आर्ट्स मीन जनरल डॉक्टर के पास। नेक्स्ट है जीब्रा का आइना नॉय बिकिला मीन्स तुमने जो है न्यू स्पेक्स कर दी थे तो कहाँ आओगन आर्ट्स ऑफकोर्स आँखों वाले डॉक्टर के पास जाओगे तभी तो नए नए ब्रेस वो ग्लासेस लगाए। नेक्स्ट है हाबन जी जिया स्ट्रेक है सांस मेडिसिन मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है तीत एक हो रहा है, टू तो एक सान मतलब होता है तीत, मेडिसिन मीन्स एक या पेन, तो कहाँ पर जाएंगे जेन एडसन। उसके बाद नेक्स्ट है वेल्श बेरूफ इज दास मतलब कि कौन सा काम कौन करता है, वेफ फेर काफ टाप लंजालबन ट्रोफन मतलब कहाँ पे हम टैबलेट सिरप ये सब लेते हैं, तो दे अपोथिकर मीन्स केमिस्ट। सिमिलरली नेक्स्ट है वे कॉम स्मेल ना काइना मूफाल मतलब कौन आता है जब तुम जो है अचानक तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तो नॉट एट्स मीन्स इमरजेंसी डॉक्टर। नेक्स्ट वे हेल्प देन पेशेंट इन क्रांक हाउस हॉस्पिटल में पेशेंट्स की कौन हेल्प करता है, क्रांकन श्वेस्टर मीन्स ये जो है नर्स होती है। सिमिलरली अगर मेल नर्स की बात करें तो देयर क्रांकन फ्लैगर। उसके बाद नेक्स्ट है वे आर मास्क मिथ देन पेशेंट एंड स्पोर्ट
जब स्पोर्ट्स का कोई बीमार हो जाए तो उसको कौन ध्यान रखता है? फिजियोथेरेपोइट मीन्स फिजियोथेरेपिस्ट। और उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, वे आर हेल्प देम आर्ट बाय देम आर बाय, मतलब कि डॉक्टर को जो है कौन हेल्प करता है? आर्ट सेल्फरिन, जो उनका असिस्टेंट होता है साथ में हेल्प करने वाला वो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को नया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए डांटी शो।